कहते हैं भगवान अपने सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसकी मदद के लिए जरूर आते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ उनमें सच्ची आस्था और विश्वास की। जब से दुनिया बनी है ऐसी कई घटनाएं घटी है जब भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर भगवान को भक्त को दर्शन देने आना ही पड़ा। ऐसी ही एक सच्ची घटना घटी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और भगवान शिव के पवित्र स्थान बाबा केदारनाथ धाम में। ये बात आज से करीबन 30 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था। एक बार उसने केदारनाथ जाने का विचार किया क्योंकि उस समय यातायात के इतने अधिक साधन नहीं थे और न ही उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वो किसी वाहन से वहां जा सके। इसीलिए घर वालों ने उसे वहां नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की धुन सवार थी, इसीलिए वो पैदल ही केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। वो रास्ते में लोगों से पता पूछता जाता और आगे बढ़ता जाता। इस तरह एक दिन आखिरकार वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया और मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो जैसे ही अंदर जाने लगा वैसे ही वहां के पंडितों ने उसे रोक दिया और कहा, अब आप अंदर नहीं जा सकते, आज के दर्शन खत्म हो चुके हैं और मंदिर के पट भी बंद हो गए हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल जब पट खुलेंगे तब मैं दर्शन कर लूंगा। तब पंडितों ने कहा, अब ये पट कल भी नहीं खुलेंगे, अब इसके लिए आपको 6 महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 6 महीने बाद मंदिर के पट फिर से खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का नियम है, यहाँ सर्दी में बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए मंदिर के पट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर वे सभी लोग वहां से चले गए। ये सुनकर लाल सिंह को बड़ा ही दुख हुआ और वो आंखें बंद कर भगवान को याद कर रोने लगा। उसे लगा जैसे भगवान उससे रूठ गए हो। वो बस एक झलक अपने भगवान को देखना चाहता था, लेकिन अब ये संभव नहीं था। इसीलिए वो अपने आप को दोषी मानते हुए मन ही मन पछता रहा था कि काश वो यहाँ जल्दी आया होता। ऐसा सोच सोच कर वो रोए जा रहा था। ऐसे में वो मंदिर के पास ही बैठ गया और आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। ऐसा करते करते उसकी नींद कब लग गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई और उसने अपने आप को जहाँ पाया और लोगों को उसने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल सुबह जब मंदिर के पंडितों ने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा कि कोई व्यक्ति वहां सोया हुआ है। जब उन्होंने उसे जगाया और उससे अपना परिचय पूछा और पूछा कि वो अंदर कैसे आ गया, क्योंकि मंदिर बंद करने से पहले सभी ने अच्छी तरह से देख लिया था कि कोई वहां नहीं है, तब वो अंदर कैसे रह गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, मैं वही इंसान हूँ जिसे आपने कल रात को वापस जाने के लिए कहा था। तब पंडित ने कहा, मुझे याद आया तुम वही हो, लेकिन ये बात कल की नहीं बल्कि उस बात को तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। ये सुनकर लाल सिंह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है। साथ ही वहाँ उपस्थित पुजारी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें चले जाने के लिए कहा था और मंदिर अच्छे से बंद भी कर दिया था, फिर तुम अंदर कैसे आए। तब लाल सिंह ने बताया कि आपके जाने के बाद मैं मंदिर के पास ही बैठ गया, फिर मुझे नींद आ गई, लेकिन रात को ठंड से अचानक मेरी नींद खुल गई। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था और मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक कोई साधु मेरे पास आया और मुझे कहा कि इतनी भयंकर ठंड में आप जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए मेरे साथ अंदर चलो। मैंने कहा, लेकिन मंदिर तो बंद हो चुका है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन रात को मंदिर की देखभाल का जिम्मा मुझे सौंपा गया है और मेरे पास मंदिर के द्वार की चाबी भी है। इसके बाद मैं उसके साथ अंदर चला गया। उन्होंने मुझे मंदिर के कोने में बैठा कर कहा, यहाँ आप आराम करो, और मुझे खाने के लिए कुछ फल भी दिए। मैंने फल खाए और मेरी नींद लग गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर पंडितों ने पूछा, वो साधु दिखता कैसा था। तब लाल सिंह ने कहा कि वो तकरीबन 6 फीट के थे और उनके बड़े बड़े बाल थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उन्होंने एक लंगोट पहना था और अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। वहीं उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। इतना सुनकर वहां उपस्थित सभी पुजारी समझ गए कि होना हो वो साधु कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे और उन्होंने ही उस भक्त की मदद की थी और उसे 6 महीनों के लिए सुला दिया ताकि मंदिर के पट खुलने के बाद उसे दर्शन हो सके। जबकि भक्त को लगा जैसे एक ही रात गुजरी है और ये कल ही की बात है। उन सभी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस भक्त को प्रणाम किया और कहा कि आपकी भक्ति को नमस्कार है, आप धन्य हैं। लाखों सालों तक तपस्या करने के बाद भी बड़े बड़े तपस्वियों को जिनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते, जो इस संसार के ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ है,
ऐसे बाबा केदारनाथ ने आपको सहज ही दर्शन दे दिए। आपकी भक्ति और समर्पण सच्चा है, आप धन्य हैं और धन्य हो गए हम भी जो हमें आपके जैसे भक्त के दर्शन हुए।